नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिस खबर को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 4,000 रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति ने 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, वह भी एक गैंगस्टर बनकर। एक व्यक्ति को मैसेज करता है, कॉल करता है कि यदि आपके जान से बचना है तो आपको इस गैंगस्टर के नाम से 25 लाख रुपए फिरौती के रूप में करने होंगे। अब मैं आपको बताता हूं पूरा घटनाक्रम क्या है। गिरीश कुमार, उम्र 20 वर्ष, निवासी जोड़वास, पुलिस थाना रानीवाड़ा का है। वो 4,000 रुपए महीना में नौकरी करता है, महीने के 4,000 रुपए कमाता है और खुद के घूमने के लिए उसने एक मोटरसाइकिल भी खरीद रखी थी और उस मोटरसाइकिल पर उसने फाइनेंस करवा के रखा था और उसने किस्तें नहीं भरी। तो प्यारे लाल जाट नाम से एक युवक ने, फाइनेंसर ने उस व्यक्ति से संपर्क किया और किस्तें भरने का निवेदन किया। लेकिन जब गिरीश कुमार ने उस फाइनेंसर के कॉल अटेंड करने बंद कर दिए, फिर जब उनके दोनों की मुलाकात हुई या जरिए कॉल से उनकी बात हुई तो उन दोनों में बहस हो गई और बहस होने के बाद गिरीश कुमार के दिमाग में एक भ्रम आया कि मैं इस प्यारे लाल को अब सबक सिखा कर ही रहूंगा। गिरीश कुमार एक साजिश रचता है और एक गैंगस्टर बनकर एक अननोन नंबर से प्यारे लाल को मैसेज करता है कि यदि आपको अपनी जिंदगी से बचना है तो आप इस गैंगस्टर के नाम से 25 लाख रुपए का भुगतान कर दीजिएगा, अन्यथा आप अपने बच्चों से दूर हो जाएंगे। प्यारे लाल जब डर जाता है और प्यारे लाल पुलिस थाना कोतवाली जालौर में रिपोर्ट पेश कर सुरक्षा की मांग करता है, मामले में लिप्त आरोपियों को पकड़ने दस्तयाब करने की गुहार लगाता है। पुलिस थाना कोतवाली द्वारा तत्परता दिखाते हुए पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए गिरीश कुमार को दस्तयाब कर लिया जाता है। यह घटना 7 जून 2023 की है। प्यारे लाल ने 7 जून 2023 को पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई और आज के दिन गिरीश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुमार ने इतना ही नहीं सोचा कि जब मैं ऐसी घटना अंजाम देने जा रहा हूं, जब मैं ऐसी घटना को अंजाम देने जा रहा हूं तो मैं पुलिस के हाथ भी कहीं चढ़ जाऊंगा। अभी जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही है, यह गिरीश कुमार की है जो कांस्टेबलों की आगे बैठा है। इस गिरीश कुमार ने इस घटना को अंजाम दिया, 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन ने क्या कहा, देखिए। जैसा कि एक अपने सामने एक घटना आई थी कोतवाली थाना क्षेत्र की, इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने किसी गैंगस्टर के नाम से फिरौती मांगने का एक टेक्स्ट किया था, मैसेज किया था अननोन नंबर से, जिस कंप्लेंट पे हमारे द्वारा FIR दर्ज की गई। और इसमें जब स्रोतों से पता किया गया धमकी देने वाले के बारे में, तो वो सूरत में रहने वाला ही जालौर का है बट सूरत में काम करता है, उसको डिटेन कर लिया गया है। इसका उसके द्वारा इसमें कहानी सामने ये आई है कि उसके भाई के द्वारा कोई मोटरसाइकिल फाइनेंस पे ली गई थी, जिसको जिसने किस्तें जमा नहीं की थी और किस्तें जमा करवाने के लिए उसको बोला जा रहा था, इस ना किस्तें जमा करवानी पड़े इसके लिए उसने सिर्फ उसको एक धमकी दी थी ताकि वो किस्तें ना मांगे उसके भाई से। तो ये इस तरह की कहानी अभी सामने आई है। इस संबंध में हमारा आमजन से भी यही अपील रहेगी, अगर कोई दूसरे किसी गैंगस्टर या किसी दूसरे नाम से किसी को धमकाता है, इस तरह की कोई भी बात अगर सामने आती है तो इसको छुपाएं नहीं और उच्च स्तर पर जो पर्याप्त स्तर है उस पर उसके बारे में पुलिस प्रशासन को सूचित करें, जिस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। और इसमें भी हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और इसमें भी आगे का अनुसंधान किया जाए।